लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। द्विवेदी ने जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह ली है। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी उप सेना प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। केंद्र सरकार ने 11 जून को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। द्विवेदी को 1984 में 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी यूनिट की कमान भी संभाली थी। जनरल द्विवेदी को उत्तरी और पश्चिमी दोनों थिएटरों को संतुलित करने का गौरव प्राप्त है। उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमांडर के रूप में आतंकवाद विरोधी अभियानों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाई है। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री यानी जम्मू कश्मीर और पैच यानी जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान वो विभिन्न कमानों, स्टाफ, प्रशिक्षण संबंधी और विदेशी नियुक्तियों में कार्यरत रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट 18 जम्मू और कश्मीर राइफल, ब्रिगेड 26 सेक्टर असम राइफल्स, महानिरीक्षक असम राइफल्स पूर्व और 9 कोर की कमान शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी मुख्यालय उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। द्विवेदी इसी साल 15 फरवरी को उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान चौकी बल में एक बटालियन की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न चुनौतियों की गहरी समझ है, क्योंकि वो उत्तरी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपने 2 साल तक जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सैनिक स्कूल रीमा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वार कॉलेज के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वार कॉलेज महू में भी पढ़ाई की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को USAWC कार्लिसले यूएस में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष कोर्स में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया जा चुका है। द्विवेदी ने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil और सामरिक अध्ययन एवं सैन्य विज्ञान में 2 स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 3 GOC-INC प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।